हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल कुलरिया। लास्ट वीडियो दे विच आपने डिस्कस किया सी चेंज द वॉयस द टेंस जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दे जो रूल रेगुलेशन है वो आपने किए सी। तो उस तो बाद साढ़े कोले कैसा टेंस आता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है। तो मैं तुहानू एक गल दसी सी कि टेंस के रूल्स नू लर्न करन वास्ते एक गल यूनीक है। वो यूनीक ये है कि जदों भी किते कंटीन्यूअस वर्ड आता है तो उत्थे सारे किते वर्ब की फस्ट फॉर्म नाल आई एन जी लगता है। दिस इज़ अ यूनीकनेस। सो तुसी ने याद रखनी है गल, जदों किते भी तुसी कोई यूज़ करना है इंग्लिश दे विच कंटीन्यूअस नूं, तो उत्थे जरूर देख लेना है कि अगर कंटीन्यूअस है उहदे नाल कुछ भी चाहे आया होया है तो वह वर्ब की फस्ट फॉर्म नाल आई एन जी होएगा। तो जदों असी ने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किया सी, ए बिल्कुल उस दे नाल दे ही मिलता जुलता है। इस करके मैं तुहानूं ये जल्दी जल्दी कराउण की कोशिश करूँगा। इस विच पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट मीनस इज एम आर, पास्ट मीनस वाज वर्ब। सो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस मीनस वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की फस्ट फॉर्म नाल आई एन जी। नैक्सट, जो असी चेंज द वॉयस करते हैं उस समय असी देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स इस लगदिया ने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वाज और वर्ब, वर्ब वाज और वर्ब सिंगुलर नाल वाज, प्लूर नाल वर्ब, ते नाल उससे की लगता है बींग। यह साढ़े को कॉमन सी कि सारे पैसे वॉयस के वी थ्री एंड सबजैक्ट ऑबजैक्ट के ऑबजैक्ट नी सबजैक्ट कन्वर्ट करते हैं। दिस इज़ अ कॉमन रूल। सो नाओ कम ऑन द फस्ट एग्जाम्पल। फस्ट साढ़े को सेंटेंस है, थोड़े सामने वरायटी ऑफ सेंटेंसिज सिमिलरली लास्ट वाले सिस्टम की तरह ही है कि इस साढ़े को अफरमेटिव, नैगेटिव एंड इंटैरोगेटिव टाइप्स से सेंटेंसिस की वरायटी है। उसनों असं डिस्कस करते हैं। तो हरेक सेंटेंस का वॉयस बनाने लग्या असी उ फोर स्टैप फॉर्मूला जोड़ा है उसनों असं यूज़ करा। तो फस्ट साढ़े को है आई वाज क्लोजिंग द शॉप, दिस इज़ द फस्ट सेंटेंस। असी इस फस्ट ऑफ ऑल ए एंड पी के आइडेंटिफाई करना है कि की है एक्टिव और पैसिव। असी जानते हैं कि सारे पैसिव के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होंगी है, असी इस करके उतों ही देखा उस यार्ड स्टिक के अकॉर्डिंग इस टेस्ट करते हाँ। तो इस वर्ब की फस्ट फॉर्म है, वर्ब की फस्ट फॉर्म मीनस फस्ट फॉर्म आई एन जी कि थर्ड फॉर्म नहीं है, यानी कि पैसिव नहीं है। जो तो पैसिव नहीं है तो यह एक्टिव होएगा। सो इस करके असी इस एक्टिव नू पैसिव दे विच कन्वर्ट करांगे। नैक्सट, हुण असी आइडेंटिफाई करना इसका टेंस। टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए असी वो टेंस के रूल रेगुलेशन जो कि तुहानू मैं हुणे दसे ने, इस विच वाज हैल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फस्ट फॉर्म नाल आई एन जी है। वाज रिप्रेजेंट करता है कि पास्ट है, वर्ब की फस्ट फॉर्म नाल आई एन जी रिप्रेजेंट करता है कि यह कंटीन्यूअस है। तो इसका टेंस हो गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। जदों पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस हुंदा है तो असी उसका पैसिव वॉयस बनाउण लगे हाँ। रूल की लगाने असी अकॉर्डिंग टू द सबजैक्ट वाज और वर प्लस बींग। बाकी वो फोर्थ रूल जिहड़ा हैगा वो असी पहला भी करते आए हैं सारे सेंटेंसिस दे विच, इत्थे भी असी डिस्कस करते हाँ। आई साढ़े कोल इत्थे की हैगा सबजैक्ट है, बाद साढ़े को हैल्पिंग वर्ब, क्लोजिंग साढ़े को वर्ब की फस्ट फॉर्म नाल आई एन जी, द शॉप साढ़े को ऑब्जेक्ट है। असी सबजैक्ट ऑब्जेक्ट नूं चेंज करते हैं, द शॉप अगे आ गया, द शॉप साढ़े को सिंगुलर है, सिंगुलर दे नाल असी बाज लगावांगे। उस तों बाद असी रूल के मुताबिक बींग लगाना है, लगा दिता है। तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज दी, थर्ड फॉर्म क्लोज क्लोज्ड, तो बाय आई का की बन गया मी। सो इस तरह करके असी ने जिहड़ा ये फस्ट सेंटेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह पास्ट कंटीन्यूअस के विच भी सिमिलर जिहा रूल लागू हुंदा है। सैकेंड एग्जाम्पल, दे वर नॉट पनिशिंग अस। इस विच फिर असी देखना है कि वर्ब की फस्ट फॉर्म पनिशिंग फस्ट फॉर्म नाल आई एन जी है, इट मीनस यह एक्टिव वॉयस है क्योंकि थर्ड फॉर्म नहीं है। जो यह एक्टिव वॉयस है असी इसनों पैसे विच कन्वर्ट करांगे।
नैक्सट इस वर एंड वर्ब की फस्ट फॉर्म आई एन जी है, इट मीनस इसका टेंस पास कंटीन्यूअस है। जो पास्ट कंटीन्यूअस है तो असी इहदे रूल दे विच वाज वर हैल्पिंग वर्ब ते बीइंग लगावांगे। हुण देखो दे सबजैक्ट वर हैल्पिंग वर्ब आ पनिशिंग साडे कोले वर्ब की फस्ट फॉर्म आई एन जी ते अस साडे कोले आ गया ऑब्जैक्ट तो अस अगे चल के बन गया वी सबजैक्ट बन गया वी प्लूरल है इस करके वर लग गया नॉट उस तो बाद असी ने बीइंग लगाउणा है रूल के मुताबिक फिर साडे कोल वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड पनिश्ड बाय दे दा की बन गया देम। तुहाडी मिसटेक इत्थे होणी है मैं जो अंडरलाइन किया है वर नॉट बीइंग इसनों असी वर बीइंग नॉट नहीं लिख सकते इहदा ध्यान रखना है। नैक्सट थर्ड एग्जाम्पल वर दे वाचिंग द मैच ये साढ़े को इंटैरोगेटिव फॉर्म के हैल्पिंग वर्ब नाल स्टार्ट हुई संटेंस है। इस विच असी देखना है कि वाचिंग फस्ट फॉर्म है इट मीनस यह पैसिव नहीं है एक्टिव है जे एक्टिव है असी इसनों पैसिव विच कन्वर्ट करांगे। फिर इस वर ते वर की फस्ट फॉर्म आई एन जी है यदा मतलब यह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो बाज वर ते बीइंग लगेगा। लाओ जी आपां ने ध्यान रखना है कि असी ने इंटैरोगेशन का इंटैरोगेशन फॉर्म च ही रखना इसनों इस गल का ये मिसटेक नहीं करनी किसी कीमत उत्ते भी। तो की बनेगा जी द मैच अगे आएगा ऑब्जेक्ट सी सबजैक्ट बनेगा द मैच साढ़े को सिंगुलर है कि प्लूरल है सिंगुलर है इस करके इतने की बन गया बाज फिर ये बाज ना स्टार्ट होएगा बाज द मैच हूँ की लगेगा रूल के मुताबिक बीइंग वाच्ड बाय दे दा की बन गया देम इंटैरोगेशन का साइन पाना आपने किसी भी कीमत पर नहीं भुलना गा। लास्ट साढ़े को एग्जाम्पल है जी हू वाज हैल्पिंग यू इसनों असी ने ध्यान करना है क्योंकि डबल्यू फैमिली वाले जिहड़े सेंटेंसेस ने उन्हां दे विच आम तौर पर स्टूडेंट्स की मिसटेक्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है तो हू नूं असी ऑलवेज बाय हूम दे विच कन्वर्ट कर देना है। इत्थे वो बाय जिहड़ी प्रेपोजिशन असी बाद च लाउने इत्थे असी ने पहला लगा दिती है जे तुसी सेंस नूं समझोगे तो आटोमैटिकली तुहानूं पता लग जाएगा बाय हूम। हूँ बच्चों असी ने की लगाना है ध्यान रखना है इत्थे कुछ स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि पहले सबजैक्ट लगा देते हैं इतने सबजैक्ट नहीं है इतने पहला की लगेगा हैल्पिंग वर्ब क्यों क्योंकि असी ने इस इंटैरोगेशन रखना है इस करके बाय हूम वर क्यों लग्या क्योंकि यू साढ़े को उरे प्लूरल है इस करके वर लग गया बाय हूम वर यू फिर रूल के मुताबिक बीइंग हैल्प की तीसरी फॉर्म की आएगी हैल्पड इंटैरोगेशन का साइन लाना नहीं भुलना गा। तो इस तरह करके ये अपने को रूल ने मैं इनू एक बार फिर थोड़ा जि डिस्क्राइब कर दिना थोड़े सामने आपने देखा कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के असी इज एम आर पास्ट के असी बाजवर फ्यूचर के असी विल शैल लगाने ये कॉमन है सारे दे कंटीन्यूअस सारे दे ही वर्ब की फस्ट फॉर्म आई एन जी लगती है इतने पास्ट कंटीन्यूअस होने करके बाज वर हैल्पिंग वर्ब तो वर्ब की पहली फॉर्म आई एन जी है तो जो असी इसका चेंज द वॉयस करते हैं तो सबजैक्ट के अकॉर्डिंग हैल्पिंग वर्ब बास और वर के नाल आ स्पैशल लगता है बीइंग इस दे विच रूल के मुताबिक बीइंग लगता है। हुण असी आ जिहड़ियां चार एग्जाम्पल्स वरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स कीतियां ने इन्हां दे विच जिहड़ियां जिहड़ियां जिथे जिथे थोड़ी कोई मिसटेक्स हो सकदियां ने उन्हां नूं मैं थोड़ा जिहा ज़्यादा तुहाडे नाल ध्यान च लियावांगा अदरवाइज सारा कुछ कॉमन है। एक तो तुहाडी इत्थे मिसटेक हो सकती है नैगेटिव सेंटेंस दे विच इहनूं ध्यान रखना है आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि तुसीं वर नॉट बीइंग ही रखना है वर बीइंग नॉट नहीं बनेगा ही ओके। एक तुहाडे कोले तुसीं जदों इंटैरोगेटिव सेंटेंस हुंदे हन उहनां नूं तुसीं अफरमेटिव जां हाँ वाचक सेंटेंस दे विच यूज चेंज कर दिंदे हो वो पॉजिटिव सेंटेंस के असी जे पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेगा जे नैगेटिव है नैगेटिव रहेगा जे इंटैरोगेटिव है तो इंटैरोगेटिव रहेगा असी ने उहदा वॉयस चेंज करना है। सो इस करके इसका हैल्पिंग वर्ब नाल स्टार्ट होया तो हैल्पिंग वर्ब नाल ही स्टार्ट होएगा हैल्पिंग वर्ब कि लगेगी वो लगेगी जो सबजैक्ट के अकॉर्डिंग है सबजैक्ट साढ़े को दाज सिंगुलर से इस करके बाज लग गया यह सेंटेंस साढ़े को स्पैशल हू वाला सेंटेंस बाय हूम तो स्टार्ट होएगा हरेक हू वाला सेंटेंस उस बाद हैल्पिंग वर्ब लगेगी फिर साढ़े को सबजैक्ट तो उस बाद फिर बीइंग फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हूँ बचो मैं थोड़े को लास्ट के उत्ते एट लास्ट जिमें पहला भी करते हुए कि एक मैं एग्जाम्पल थोड़ू छड़ के चलिया तुम इस करना है तो ताकि मैं पता लग सके कि तुम कि इंट्रस्ट लेंगे हो कि समझते हो
उसों भी अपनी अटैचमेंट का पता लगेगा तो मैनू भी माड़ा मोटा पता लगेगा कि तुसी कितना कोई इंट्रस्ट लै रहे हो। बाकी आपां नैक्सट अगले वीडियो दे विच असी हुण फ्यूचर कंटीन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे बारे में डिस्कस करांगे। थैंक यू जी।